बिल्कुल नहीं, अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। 3.5 लाख केसेस पिछले 24 घंटे में हमारे देश में, 703 लोगों की मौत हमारे देश में पिछले 24 घंटों में, दिल्ली में सबसे ज्यादा 400। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 पर आज शिक्षा मंत्रालय ने एक और अपडेट जारी कर दिया। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने भी राजस्थान बोर्ड के छात्र हैं, 10वीं और 12वीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, लगभग भारत के सभी स्टेट के छात्रों के लिए, आप सभी के लिए काफी बड़ा फैसला ये होने वाला है। 10वीं और 12वीं के छात्र 2020 में भी प्रमोट हुए थे, 2021 में भी प्रमोट हुए और 2022 में कोरोना का संकट अभी भी नहीं गया। और आपको बता दें, एक बार फिर से मामले बढ़ने के कारण आप सभी लोगों के एग्जाम पर भी संकट आ चुका है। इसके साथ ही साथ एमपी बोर्ड के और यूपी बोर्ड के, इसके साथ ही साथ राजस्थान और महाराष्ट्र बोर्ड के छात्र ट्विटर पे और यूट्यूब पे, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और कंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि इस बार भी छात्रों को प्रमोट किया जाए क्योंकि उनका सिलेबस अधूरा है। 2021 में भी क्लासेस नहीं लगी, 2022 में क्लासेस लगी हैं तो ऑनलाइन लगी हैं। ऑनलाइन होने के कारण काफ़ी सारे छात्र हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन या नेट की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब उनकी पढ़ाई ही अच्छे से नहीं हो पाई है तो उनका एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। और ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है जब छात्रों को इस बार भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीनों में आप सभी के प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाते हैं, अभी तक कि वो भी नहीं हुए, तो काफ़ी बड़ा फैसला आप